आप देख रहे हैं पलपल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अयोध्या में कल क्या कुछ हुआ उसकी तस्वीरों को आपके सामने रखा, जहां कुछ शरारती तत्वों द्वारा अयोध्या के टाटा शाह मस्जिद के बाहर जो है कुछ गोश्त के टुकड़े फेंक दिए गए, कुरान शरीफ की बेहरमती करते हुए उसे फाड़ते हुए उसकी कुछ तस्वीरों को वहां फेंक दिया गया। और तो और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का अपमान करते हुए कुछ आपत्तिजनक बातें वहां लिख दी गई, जिसे शहर में एक हड़कंप मच गया। और जब शहर में हड़कंप मच गया तो मुसलमानों के एक छोटे से कदम ने कैसे इन लोगों के मंसूबों को नाकाम किया, इसे भी आपके सामने रखूंगा। और देश भर के मुसलमानों को ये कदम उठाने की ज़रूरत है जो अयोध्या के मुसलमानों ने कदम उठा करके इन दंगाइयों के मंसूबों को नाकाम किया है, क्योंकि उन दंगाइयों को पकड़ लिया गया है जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि जो लोग जालीदार टोपी लगा करके मस्जिद के सामने ये कृत्य करते हुए नजर आए, वो किरदार मुसलमानों का बिल्कुल नहीं है जिस किरदार को दिखाने की कोशिश इन लोगों द्वारा की गई। एक एक कर तमाम चीजों को आपके सामने रखूंगा। और इन दंगाइयों के ये सिर्फ चार दंगाई आपको बाइक पर दिखे जो इस घटना को अंजाम देते हैं, पर इनके मास्टरमाइंड और एक पूरा गिरोह काम कर रहा था अयोध्या में दंगा भड़काने के लिए, जिसमें 11 के 11 नाम जो हैं वो हिंदू नाम वाले निकले हैं। और जब हिंदू नाम वाले निकले हैं तो सवाल यही खड़ा हो जाता है कि इन लोगों के ऊपर NSA लगेगा, और NSA अगर लगेगा तो योगी जी से सवाल है कि इन दंगाइयों ने जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है इनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा। ये तस्वीर लगातार लोगों के सामने आ रही है और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, पहले उस सीसीटीवी फुटेज पर नजर डाल लीजिए। टोपी लगाए हैं ये गोल गोल टोपी लगाए हैं ये। देखिए फैजाबाद में गोल टोपी बेचने की दो ही तीन दुकान है। आज ये पूछना कि कोई 8-10 टोपी ले गया अब्दुल खालिक से या दरमे से। नहीं ऐसे तो बहुत लोग ले जाते ये भाई। आपने देखा कि ये सीसीटीवी फुटेज में चार बाइक सवार आते हैं, पहले गोश्त का टुकड़ा फेंकते हैं और गोश्त के टुकड़े के साथ साथ कुरान शरीफ की बेहरमती करते हुए उसे फाड़ते हुए उसके कुछ पन्ने फेंक देते हैं। और तो और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बेअदबी करते हुए दिखाई देते हैं, पर इनके सर पर जालीदार टोपी होती है। जालीदार टोपी का जिक्र आपने सुना है किस तरह से यूपी इलेक्शन के दौरान डिप्टी सीएम ने कहा था कि ये जितने भी दंगे देश में होते हैं वो जालीदार टोपी वाले कराते हैं। और देश के प्रधानमंत्री भी ये कह चुके हैं कि इन लोगों को इनके वेशभूषा से पहचाना जा सकता है, पर वेशभूषा से पहचानने वाले लोग अब उनकी नजर का चश्मा तेज कराने की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों के मंसूबों को अयोध्या टाटा शहर के मस्जिद के बाहर जो कदम उठाया गया वहां के मुसलमानों द्वारा इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया गया है। और तस्वीर ये सामने आई है कि वो 11 के 11 नाम जो हैं वो हिंदू निकले हैं। किस तरीके से इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, पुलिस प्रशासन का बड़ा बयान भी सामने आ गया है, पहले इस बयान पर नजर डाल लीजिए। देते हुए उस पर काम करते हुए इस घटने का अति अल्प समय आवरण, और इसमें जैसा कि सर ने बताया
सात अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई गई है। साथ ही साथ इसमें जो वाहन प्रयुक्त हुए हैं तथा अन्य सामग्री है उसकी भी बरामदगी सुनिश्चित कराई गई है। घटना के प्लानिंग जो है वो लगभग चार दिन पहले की इन सब की थी और मुख्य सूत्रधार की घटना और घटना में जो जिसने स्वयं शामिल होकर इस घटना को अंजाम दिया उसका नाम महेश मिश्रा है जो इसी शहर का रहने वाला है। उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कुल 11 लोग इसमें प्रकाश आए। घटना अज्ञात में पंजीकृत थी जैसा कि आप सभी अवगत हैं और लिमिटेड क्लू पुलिस के पास था तो इस पूरी घटना में 11 लोगों प्रकाश में आए जिसमें मुख्य आरोपी जो है वो महेश मिश्रा है। इसके साथ इस घटना में ब्रिजेश पांडे और ब्रिजेश डॉक्टर नितिन बाबू मिश्रा उसके अलावा इसमें प्रत्युष शत्रुघ्न प्रजापति विमल पांडे सुशील यादव अनिल चौहान ये सब इसमें शामिल हैं। कुल 7 अभियुक्तों को जिसमें मुख्य अभियुक्त शामिल है गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम है महेश मिश्रा प्रत्युष नितिन दीपक गौड़ उर्फ गुंजन ब्रजेश पांडे शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। घटना को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग के बाद जो घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग गए थे वो 8 लोग गए थे और 4 मोटरसाइकिल पे जिसमें लीड महेश मिश्रा कर रहा था और जैसा कि सर ने बताया आपत्तिजनक पोस्टर और आपत्तिजनक। आपने पुलिस प्रशासन का ये बयान दिया देखा जहां सीसीटीवी में ये लोग कैद हो गए और सीसीटीवी फुटेज इसलिए काम आई मुसलमानों के क्योंकि मस्जिद के बाहर सीसीटीवी फुटेज लगाया गया था और जो जालीदार टोपी लगा करके मस्जिद के बाहर ये कृत्य करने के लिए पहुंचे थे अगर वो सचमुच मुसलमान होते तो उन्हें पता होता कि सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है तो वो इस घटना को अंजाम देने से बचते। अवल में वो मुसलमान थे ही नहीं इसलिए उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि मस्जिद के बाहर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है जो इनकी हरकतें कैद हो रही हैं कैमरे में और पुलिस प्रशासन को इन्हें पकड़ने में आसानी इसलिए हुई क्योंकि सीसीटीवी फुटेज देख करके ये अंदाजा लगाया गया कि जालीदार टोपी लगी हुई है। तो वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि जालीदार टोपी जो है दो ही जगह बिकती है और उन दोनों जगह पर जाकर के ये पता कीजिए कि कितने लोगों ने 7 से 8 टोपी जो है वो खरीदी है 1 से 2 दिन के अंदर और जब दुकानदार के पास पहुंचते हैं तो पता चल जाता है और आरोपियों को पकड़ने में एक बड़ी कामयाबी मिल जाती है मुसलमानों की सोचबूझ के साथ पुलिस वालों को। और पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है और ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि इन दंगाइयों के ऊपर NSA लगाया जाएगा। क्या कुछ पूरी रिपोर्ट निकल करके सामने आ रही है पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। अयोध्या में दंगा भड़काने की कोशिश का बड़ा खुलासा हुआ है। कुछ आतंकी तत्वों ने जालीदार टोपी लगाकर आपत्तिजनक पर्चे और मास्क के टुकड़े धार्मिक स्थलों पर फेंके थे। हालांकि समय रहते पुलिस ने 7 आरोपियों को दबोच लिया है। सभी आरोपी हिंदू हैं। इन दंगाइयों के नाम हैं महेश मिश्रा प्रत्युष श्रीवास्तव नितिन दीपक गौड़ ब्रजेश पांडे शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे है। ये दंगाई अपनी पहचान छुपाने के लिए मुस्लिमों की वेशभूषा में आए थे। साजिश के मास्टरमाइंड का नाम महेश कुमार मिश्रा है। उसने कबूल किया है कि वे और उसके साथी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा से नाराज थे। गुरुवार को पुलिस सभी आरोपियों को मीडिया के सामने लेकर आए। मास्टरमाइंड चाहता था कि उसकी ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो और पुलिस के हाथ भी आए।
इसलिए आरोपियों ने तो ऐसी मस्जिद चुनी जहां सीसीटीवी लगे थे। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि इस घटना में 11 लोग शामिल थे। मुख्य आरोपी ने अपने साथियों के साथ घटना को अंजाम दिया। फरार चल रहे 4 अन्य आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपियों ने अयोध्या के मस्जिद, कश्मीरी मोहल्ला, टाटा शाह मस्जिद, घोसियाना रामनगर मस्जिद, ईदगाह सिविल लाइन मस्जिद और दरगाह जेल के पीछे मांस और आपत्तिजनक पोस्टर फेंके थे। कुछ जगह पर धार्मिक पुस्तक फेंककर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश इन दंगाइयों द्वारा की गई थी। पुलिस ने जिस मुस्लिम धर्मगुरु से बयान लिए थे, उन्होंने रात 2 बजे 4 बाइक पर 8 लोगों को देखा था। उस समय वे नमाज पढ़ने जा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले आपत्तिजनक पोस्टर देखे और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों तक ये मामला पहुंचाया। पुलिस पूछताछ में सामने आई कहानी कुछ ऐसी है कि मास्टरमाइंड महेश कुमार मिश्रा ने अपने साथियों के साथ ब्रजेश पांडे के घर पर प्लानिंग की थी। महेश ने ये पर्चे लालबाग के आशीर्वाद फ्लैक्स से छपवाए थे, यहाँ से कुछ फ्लैक्स भी खरीदे। आरोपी प्रत्युष श्रीवास्तव ने चौक की गुदड़ी रोड पर मोहम्मद रफीक बुक स्टोर से 2 कुरान की किताब खरीदी, पम्मी कैंप हाउस से टोपी खरीदी थी। आकाश ने लालबाग से मास्क खरीदा था। सामान को 26 अप्रैल की रात 10 बजे नाका वर्मा ढाबा पर इकट्ठा किया, फिर सभी ब्रजेश के घर पर आ गए। यहीं पर फ्लैक्स और आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखी गईं। इसके बाद सभी लोग 4 बाइक पर देवकाली बाईपास होकर बेलीगंज तिराहा पहुंचे। पीवीआर की गाड़ी होने से यहां वारदात नहीं कर सके। फिर कश्मीरी मोहल्ला मस्जिद में जाकर कुरान शरीफ और मांस फेंका गया। इसके बाद राजकरण स्कूल के पास टाटा शाह मस्जिद पर उन्होंने आपत्तिजनक पर्चे और मांस फेंक दिए। फिर जेल के पीछे गुलाब शाह दरगाह पर कुरान शरीफ एवं मांस का टुकड़ा फेंका। ईदगाह सिविल लाइन घोसियाना रामनगर मस्जिद पर भी इसी तरह से आपत्तिजनक पर्चे फेंके गए हैं। इस घटना के सभी आरोपी अयोध्या के हैं। महेश मिश्रा के खिलाफ कुल 7 FIR पहले से ही दर्ज है। महेश कुमार मिश्रा खोजनपुर पर रहता है, प्रत्युष श्रीवास्तव आवास विकास कॉलोनी में, जबकि नितिन कुमार रीडगंज हमदानी कोठी पर रहता है। दीपक कुमार गौड़ उर्फ गुंजन नाका मुरावल टोला थाना, ब्रजेश पांडे होनसिला नगर, शत्रुघ्न प्रजापति शहादतगंज कुमार मंडी, विमल पांडे कुमारगंज का रहने वाला है। इस पूरे मामले में SSC होम अवनीश अवस्थी ने अयोध्या पुलिस को 1,00,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है, जो मिनटों में इस केस को सुलझाया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा। वो इसलिए कारगर साबित हो पाया क्योंकि मस्जिद के बाहर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था। वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें इनकी हरकतें कैद हुई और इनकी हरकतों पर नोटिस करके इनकी पहचान की गई और आरोपियों को धर दबोचा गया और तमाम मुसलमानों को देश भर की तमाम मस्जिद के आगे सीसीटीवी फुटेज लगाने की जरूरत है, ताकि कोई ऐसी घटना को अंजाम दे तो उनके मंसूबों को नाकाम किया जा सके। ये सीसीटीवी अगर नहीं लगा होता तो अयोध्या में बवाल काट दिया होता इन दंगाइयों ने। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।